तो आपकी फरमाइश पे मैंने आज की वीडियो में बनाया है iPhone 16 Plus वो भी अल्ट्रा मरीन कलर में। अगर आप भी बनाना चाहते हो iPhone 16 Plus को तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो iPhone बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड जिससे हम उसकी बॉडी बना सके। तो मैंने एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी कार्डबोर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। कार्डबोर्ड लेने के बाद उस पे मैं पेन और स्केल की मदद से उस पे iPhone 16 Plus की एक साइज ड्रॉ करूंगा। इसकी साइज मैं आपको साइड में दे रहा हूँ। इसके हिसाब से आपको कार्डबोर्ड पे iPhone 16 Plus की साइज ड्रॉ कर देनी है। कार्डबोर्ड पे iPhone 16 की साइज ड्रॉ करने के बाद उस कार्डबोर्ड को मैं सीजर से कट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने iPhone 16 Plus के हिसाब से कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। पर एक ही कार्डबोर्ड की लेयर से हमारे iPhone की बॉडी तो नहीं बनेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और कार्डबोर्ड की तीन लेयरों को। अभी सभी लेयर को मैं कुछ इस तरह से ग्लू लगा के एक साथ चिपकाऊंगा और सभी लेयर्स को एक साथ चिपकाने के बाद उसे थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देना, जिससे फाइनली कुछ इस तरह से हमारी iPhone 16 Plus की बॉडी बनके रेडी हो जाएगी। पर इस बॉडी के चारों कॉर्नर्स पे एक शार्प लुक देने के लिए मैं यहाँ पे सैंड पेपर से चारों साइड में रब करूंगा। चारों साइड में रब करने के बाद जो iPhone की बॉडी है वो फाइनली बनके रेडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगा iPhone 16 Plus की बैक साइड, जिसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी स्टेशनरी पे घूमा। तो फाइनली घूमने के बाद मुझे एक स्टेशनरी पे मिला ये अल्ट्रा मरीन कलर जैसे दिखने वाली फाइल। तो मैंने उस फाइल को ले लिया। इस फाइल को चेकबुक रखने के लिए यूज की जाती है। तो ये एक प्लास्टिक वाली फाइल है। अब इस फाइल पे मैं iPhone 16 Plus की साइज ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने फाइल के ऊपर पेंसिल की मदद से iPhone की साइज ड्रॉ कर ली है। अभी से मैं सीजर से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से बैक साइड का एक पेपर मिल जाएगा और इसी तरह से फ्रंट साइड बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर का यूज कर रहा हूँ। उसे भी मैंने iPhone की साइज के हिसाब से कट कर लिया है। अभी जो फ्रंट साइड का पेपर है उस पे डिस्प्ले लगाने से पहले मैं यहाँ पे उसके चारों कॉर्नर्स पे ब्लैक प्लास्टिक टेप को चिपकाऊंगा, जिससे जो डिस्प्ले की बेजल से वो रियलिस्टिक लुक जैसी दिखाई देगी। तो आपको ब्लैक पेपर के चारों साइड में ब्लैक टेप को चिपका देना है कुछ इस तरह से। तो बेजल्स तो बन चुकी है, अब बनाते हैं डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर के प्लास्टिक पेपर को। ये पेपर आपको कोई भी स्टेशनरी में अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो इस पेपर के पीछे की साइड में लगाने वाला हूँ ब्लैक टेप को। टेप लगाने से जो पेपर की दूसरी साइड है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, मतलब कि डिस्प्ले ऑफ है इस तरह से। अब इस पेपर के पीछे की साइड मैंने पूरे ब्लैक टेप को चिपका दिया है, जिससे हमें डिस्प्ले बनाने के लिए पेपर मिल जाएगा। अब इस पेपर को मैं डिस्प्ले की साइज के हिसाब से कट कर लेता हूँ, जिसकी साइज आप साइड में देख सकते हो। तो इस पेपर को मैं अब चिपकाऊंगा फ्रंट साइड के पेपर पे। तो दोनों को एक साथ ग्लू से चिपका देते हैं। तो दोनों पेपरों को एक साथ चिपकाने के बाद फाइनली अपनी डिस्प्ले भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी फ्रंट साइड और बैक साइड के दोनों पेपरों को मैं फोन की बॉडी पे ग्लू से चिपका देता हूँ। पर चिपकाने से पहले जो आईफोन की बॉडी है उसके चारों कॉर्नर्स पे मैं ब्लू मार्कर से ब्लू पेंट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इस पे बैक साइड चिपकाऊंगा तो जो कार्डबोर्ड के चारों कॉर्नर से वो पूरे ब्लू दिखेंगे, मतलब बैक साइड और रियलिस्टिक लुक जैसी दिखाई देगा। तो बॉडी पे दोनों साइड चिपकाने के बाद अब मैं बनाऊंगा आईफोन की साइड फ्रेम। तो मैंने उसी ब्लू फाइल से इन पट्टियों को कट कर लिया है, जिसकी साइज आप साइड में देख सकते हो। अभी इनमें से मैं एक पट्टी को लेके हाथ से बेंड करूंगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की पट्टियां है। तो अभी इस पट्टियों को बेंड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी इस पे मैं ग्लू लगाऊंगा और ग्लू लगाने के बाद उसे हम आईफोन की ऊपर की साइड कुछ इस तरह से चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद इसे भी आप ड्राई होने के लिए रख देना, नहीं तो निकल जाएंगे। फाइनली सभी पट्टियों को चिपकाने के बाद जो आईफोन की साइड फ्रेम है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, मतलब कि अल्ट्रा रियलिस्टिक। अब इसी तरह से मैं बनाऊंगा आईफोन का कैमरा। तो कैमरा बनाने के लिए मुझे एक डार्क ब्लू कलर का पेपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एक ओरियो बिस्किट का पैकेट, जिसके पीछे की साइड मुझे मिला एक डार्क ब्लू कलर का
पेपर कुछ इस तरह का। नहीं तो आप यहाँ पे डार्क ब्लू कलर के पेपर का भी यूज कर सकते हो, पर ये ओरियो बिस्किट वाला एक प्लास्टिक पेपर है जिससे जो कैमरा फ्रेम है वो रियलिस्टिक लुक जैसा दिखाई देगा। तो अब इस पेपर को मैं कैमरा फ्रेम के हिसाब से कट करूंगा सीजर से। तो ओवरऑल कट करने के बाद जो कैमरा फ्रेम है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी से ओवर रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं इसके पीछे की साइड चिपका रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर को, जिसकी मदद से जो कैमरा फ्रेम है उसके नीचे की साइड में ट्रांसपेरेंट पेपर की एक बॉर्डर बनाऊंगा। तो इसलिए आपको पेपर पे कुछ इस तरह से फ्रेम को चिपका देना है, फिर सीजर लेके उसके साइड साइड से हमें कट करना है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रो मैक्स की वीडियो जल्दी आने वाली है। फाइनली कट करने के बाद जो कैमरा फ्रेम है उसके नीचे की साइड आपको प्लास्टिक पेपर की एक बॉर्डर दिखेगी। अब मैं बनाऊंगा आईफोन के कैमरास, मतलब कि कैमरा सर्कल, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक एक्सरे पेपर के टुकड़े को, जिसको मैं सीजर की मदद से राउंड शेप में कट करूंगा। अगर आपके पास एक्सरे पेपर नहीं है तो इसके अलावा आप कोई भी ब्लैंक पेपर पे ब्लैक प्लास्टिक टेप को चिपका के उसका भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने कैमरा सर्कल को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं इसके नीचे की साइड चिपकाऊंगा ओरियो बिस्किट वाला पेपर, जिसको मैंने एक हार्ड पेपर पे चिपका दिया है। अब इस ब्लू सर्कल को मैं चिपकाऊंगा कैमरा सर्कल की नीचे की साइड, जिससे जो कैमरा है उसकी एक फ्रेम बन जाएगी, और जो फ्रेम है उसकी नीचे की साइड जो व्हाइट पेपर है उसको मैं ब्लू मार्कर से ब्लू कर दूंगा, जिससे जो कैमरा है वो रियलिस्टिक लुक जैसा दिखाई देगा। कैमरा तो बन चुका है, अभी कैमरा लेंस भी तो बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सरे पेपर से एक छोटे सर्कल को कट किया है। अब उसे मैं कैमरे की सेंटर में कुछ इस तरह से चिपकाऊंगा, जिससे फाइनली अपना कैमरा बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने और एक कैमरे को भी बना लिया है, क्योंकि भाई दो कैमरे है ना। तो अभी दोनों कैमरास को मैं ग्लू की मदद से कैमरा फ्रेम पे चिपका देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों कैमरास को फ्रेम पे चिपका दिया है, और जो आपको साइड में डॉट दिखाई दे रहा है वो बैक साइड का एक माइक है। तो अब इस फ्रेम को मैं आईफोन की बैक साइड में लगा देता हूँ, और ट्रांसपेरेंट पेपर से मैंने यहाँ पे एक फ्लैश लाइट को भी बना लिया है, तो उसे भी फ्रेम की बाजू में लगा देता हूँ, जिसको लगाने के बाद फाइनली अपना कैमरा वाला पोर्शन बन के रेडी हो जाएगा। अब बनाते हैं आईफोन का लोगो। तो लोगो बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से ओरियो बिस्किट वाला पेपर को ले रहा हूँ। अब इस पेपर पे मैं ब्लैक मार्कर की मदद से आईफोन का लोगो ड्रॉ करूंगा। तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दो, और हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है तो उसके बारे में एक कमेंट भी कर दो। तो देख सकते हो मैंने पेपर पे एप्पल का लोगो को ड्रॉ कर दिया है, अभी उसे मैं कट करूंगा। और आप जब भी लोगो बनाओगे तो भाई पूरा फोकस लोगो पे देना, क्योंकि आईफोन में मेन लोगो ही होता है। तो मैंने सीजर से लोगो को कट कर लिया है, लग रहा है ना रियलिस्टिक जैसा। अब इस लोगो को मैं चिपकाऊंगा आईफोन की बैक साइड में, वो भी सेंटर में, और लोगो लगाते समय उसके पत्ते को भी ध्यान से लगाना, जिससे जो लोगो का फाइनल लुक है कुछ इस तरह से आएगा। और एक्सरे पेपर की मदद से मैंने यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड भी बना लिया है, तो उसे भी मैं डिस्प्ले के ऊपर लगा देता हूँ। और जो ब्लू कलर की फाइल थी उसकी मदद से मैंने यहाँ पे साइड बटन्स भी बनाया है, तो ये रहा पावर बटन, इसे भी मैं लगा देता हूँ, और ये रहा वॉल्यूम बटन्स, ये रहा एक्शन बटन, और हाँ एक बटन को लगाना मत भूलना, कैप्चर बटन, इसको तो भाई मेल लगाना, नहीं तो आईफोन 16 लगेगा ही नहीं। और 4 महीने पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आईफोन 16 बनाया था व्हाइट कलर में, उसमें सिर्फ एक ही बटन की कमी थी, यही कैप्चर बटन को, तो उसे भी मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर मैंने कैप्चर बटन लगा दिया है। तो फाइनली अपना आईफोन 16 प्लस अल्ट्रा मरीन कलर में रेडी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।